अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हबीब एक नए व्लॉग के साथ। मैं आज कराची के इलाके आराम बाग पहुँचा हूँ, जहाँ मैंने देखा कि रमज़ान में फ्रूट बचत बाज़ार लगी है, तो सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर करूँ। इसके हवाले से कुछ मालूमात जी, आप देख सकते हैं इन्होंने बैनर लगाया हुआ है, फ्रूट और बचत अच्छा खासा बचत दे रही है और काफ़ी कंसेशन है। मैं यहाँ मैंने भी ख़रीदारी कर ली है, तो रेट मुझे काफ़ी मुनासिब लगा और बहुत अच्छा रेट है, मुनासिब है। इनसे बात भी करेंगे, इनसे रेट जानने की भी कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे हजरात जो महंगाई से परेशान हैं, तो वो यहाँ से आके ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, खजूर भी है, चीकू 450, सेब सेब दो किस्म के, और इसके अलावा क्या है, कीवी, कीवी फ्रूट है, ये खरबूज़ा, गुलाची, और ये नया माल आ रहा है तरबूजे के, सुजुकी आ रही तरबूजे की। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आया ये सिर्फ आज के लिए है या पूरे रमज़ान के ये ऑफ़र ये लोग दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। सर आसिम भाई। आसिम साहब, आसिम साहब आपने ये बाज़ार अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है या कोई हुकूमती सतह पर इलाकाई ताउन शामिल है? नहीं सर, ये मेरे दोस्त ने लगाया है, जुनैद नाम है उसका। अच्छा जी, वो अभी गया हुआ है ज़रा ख़रीदारी करने के लिए, तो ये उसने अपने टोल पे लगाया, अपने प्रदूते पे। ठीक है, प्रेस में उसका प्रेस चल रहा है पीछे, दुकानें हैं उसकी, लेकिन ये उसने अपने तौर पे किया है कि लोगों को सहूलत मिल जाए, कि दो पैसे की सहूलत से लोग ख़रीदारी कर सकें। अच्छा, तो आप ये फ्रूट्स के ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? जितना हो सकता है, ये रेट और रेट माल जाए मुझे बताएंगे ताकि ऑडियंस भी सुन लें जिनको भाई। जितना हो सकता है, गोल्डन 250-300 बिकता है, हम 200 बेच रहे हैं छोटा बड़ा मिक्स करके। चीकू हम 150 रुपये चलाते हैं, 120 भी चला देते हैं, अमरूद 150 भी चलाते हैं, 120 भी कर देते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। और ये बड़ी वाली ये स्ट्रॉबेरी है, हम 400 रुपये, हम 300 रुपये चला रहे हैं, हम 250 रुपये भी कर देते हैं एंड में जाके किलो। हाँ किलो। अब जैसे कि कीवी का डब्बा है, हम 550 रुपये का चला रहे हैं, ये 1.5 किलो वजन, और 1.5 किलो वजन का है। ठीक है, तो तरबूजा 150 रुपये बिक रहा है, 100 रुपये हम दे, तरबूजा 200 चल रहा है, तरबूजा 200 चल रहा है, हम कम से कम 150 तो है, 200 है। मैं कल लेकर आया ली मार्केट से, 200 रुपये, 120 गुलाची 200 रुपये है, हम 150 रुपये चला रहे हैं जी। ऐसा ही है, मतलब जितनी सहूलत हो सकती है उतनी सहूलत दे रहे हैं लोग जी। आपने कहा कि आप ये 250 रुपये 300 रुपये में दे रहे हैं, जबकि मार्केट रेट क्या चल रहा है इस वक्त? 400 रुपये किलो या 500 किलो चल रहा है चीकू इस वक्त? चल रहा है 200 रुपये चल, हम 150 चला रहे हैं इस वक्त। आप 150 चला रहे हैं, एंड में हम 120 भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे 120 का मिला है अभी, उन्होंने दिया। ठीक है, और अमरूद क्या चल रहा है आपके पास? 150। ये कितने का? और मार्केट रेट क्या है इसकी? ये 200 और 300। मार्केट 200 मार्केट रेट, और आप 150 चला रहे हो। अच्छा, खजूर ये कितना ग्राम है? 250। 350। हमारा जो सेट है ना, उसका कहना है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाए, जिसके पास पैसे नहीं भी होना, उसको भी दो, जो भी आए यहाँ से खाली नहीं जाए, जितने वो दे दे सही है, नहीं दे जाते। तो ये आपका ये जो ये सिर्फ आज के लिए है संडे बाज़ार है या चांद रात से शुरू है? लगभग गर्म से और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। करीब आज आवाज़ दूर से नहीं आएगी। चांद रात से शुरू है और ये अभी तक लगभग गर्म से अभी तक चलता हुआ आ रहा है ये, और इंशाल्लाह दुआ करें कि चलता रहे। तो मतलब पूरा रमज़ान चलाएँगे आप? बस हमारी कोशिश यही है, अच्छा कोशिश ये है कि आप पूरा रमज़ान चला दें, तो आवाम की भी ताउन की ज़रूरत है कि आवाम अगर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप ये ले जा रही है। अच्छा, आवाम आ रही है, माशाल्लाह। आप 4 बजे आइए, यहाँ का दिन कुछ भी मिल जाएगा। अभी थोड़ा आपको सन्नाटा दिख रहा है, अभी इंशाल्लाह जोर के बाद छुट्टी का दिन भी है ना इसलिए। ये स्ट्रॉबेरी कितनी पड़ी? गुलाम कर रहे हैं, पड़ी हुई ऊपर भी पड़ी, नीचे भी पड़ी। 4 बजे आ जाए, सारा माल दिख जाएगा। 4 बजे आए ना, स्ट्रॉबेरी नज़र नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बेस्ट हो गया, आप इतना सहूलत दे रहे हैं, इतने आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबको इस रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादा सिमट की कोशिश करते हैं, लोग ज़्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं, और आपने एक सहूलत दी आवाम को, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो अब आवाम, अच्छा ये मुझे बता दें ये लोकेशन कहाँ पर है, या आवाम किस तरह अप्रोच करेगी? ये लोकेशन बता देंगे, एड्रेस बता देंगे?
भाई ये मेन आराम बाग है, मस्जिद है और मस्जिद के साथ ही आराम बाग जो मैदान है उसके साथ ही रही है ये स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो करीब चले जाएंगे तो वहाँ पे बादशाही है और सामने वो भी है, ठीक है, ये उसी कोने पे पहले आराम बाग आता है फिर उसको आता है, ठीक, मतलब चामक के बैक साइड पे जो रोड है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, 170 रुपये आसिफ सर, बहुत शुक्रिया जी। ऑडियंस आप देख रहे हैं अभी इस अजान का टाइम हो रहा है तो मैं ये वीडियो को यहीं पर रोकूंगा, तो मजीद आपसे बात करेंगे इसके ऊपर अजान हो जाए इंशाल्लाह। व्यूअर्स जो इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी थी, मैंने जो ज़रूरी थी मैंने लेके अपलोड कर दी है, अब आगे पहुँचाना आपका काम है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूम हासिल हो, आगाही हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे बचा सकें, तो ये आगे शेयर करना आपका काम है। नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।